स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिक मैन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये है एक नॉर्मल एमसीबी जो हमारे घर में लगी होती है। इसके अंदर कितना कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम और प्लास्टिक होता है आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरी तरह से सील है। अब मुझे इसे ओपन करना है। दोस्तों मैं इसे प्लायर की मदद से ओपन करूँगा क्योंकि यहाँ पर इसमें रिपटिंग की हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एल्युमिनियम की रिपटिंग की हुई है इसके अंदर, तो इसे खोलना इतना आसान नहीं होगा। इसको तोड़कर ही निकालूंगा मैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक थर्ड क्वालिटी एमसीबी है और इसके अंदर सिर्फ ये कॉपर के दो तीन टुकड़े जो आपको कॉइल के रूप में दिए जाते हैं और स्प्रिंग वगैरह। दोस्तों कॉपर इसमें नाम मात्र के लिए ही यूज़ किया हुआ है और यही अगर एक बढ़िया जेन्युइन कंपनी की एमसीबी होती तो आपको इसके अंदर देखने को मिलता कि इसमें एक पूरी की पूरी कॉइल दी हुई है जो मैग्नेट फील्ड जनरेट करती है और इसकी जगह यहाँ पर इसमें एक संट होती जो एम्पेयर वगैरह को कंट्रोल करती है, जिससे ओवरलोड होने पे ये ट्रिप कर जाती है। लेकिन दोस्तों ये तो थर्ड क्वालिटी है, इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा। नॉर्मली दोस्तों जो जेन्युइन कंपनी की जो एमसीबी होती हैं उसके अंदर ये सब पार्ट कॉपर के दिए होते हैं, सिर्फ इन दो तीन पार्ट को छोड़कर, सिर्फ इनको छोड़कर और सब कॉपर का मिलता है आपको। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए, और अगर इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।